पूरे देश के साथ भागलपुर ने 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। भागलपुर जिले का मुख्य समारोह स्थल सैंडिस कंपाउंड मैदान में प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीना ने झंडोत्तोलन कर वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस दौरान कमिश्नर ने जिले में चल रहे विकास की योजनाओं की जानकारी देते हुए देश को विश्व गुरु बनाने के लिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाए जाने पर बल दिया। इससे पहले प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीना खुली जीप पर सीनियर एसपी ताशा गुड़िया के साथ सवार होकर स्वतंत्रता दिवस परेड का निरीक्षण किए। स्वतंत्रता दिवस परेड कमांडर प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मुख्य समारोह के दौरान भागलपुर प्रक्षेत्र के उप महानिरीक्षक सुजीत कुमार, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सीनियर एसपी नीतासा गुड़िया, एडीएम राजेश राजा, डीडीसी सुनील कुमार, एसडीओ आशीष नारायण, महापौर सीमा शाह, उप महापौर राजेश वर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। हालांकि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ना ही किसी प्रकार की झांकी निकाली गई, ना ही मार्च पास्ट का आयोजन ही किया गया। भागलपुर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुजीत कुमार ने अपने आवासीय परिसर में झंडोत्तोलन कर लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए आम लोगों को आगे आने की बात कही। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय परिसर में झंडोत्तोलन किया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए विकसित भागलपुर, विकसित बिहार और विकसित भारत बनाए जाने को लेकर काम करने की बात कही। भागलपुर की सीनियर एसपी ने पुलिस लाइन में राष्ट्रीय झंडे को फहराया और पुलिस कर्मियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए आम लोगों के हित के लिए कार्य करने की बात कही। सदर एसडीओ कार्यालय में एसडीओ आशीष नारायण ने झंडोत्तोलन कर लोगों को बधाई दी। वहीं जिला परिषद कार्यालय में जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह ने झंडोत्तोलन किया और लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, जबकि नगर निगम कार्यालय में महापौर सीमा शाह ने झंडोत्तोलन किया और नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया। भागलपुर जिले में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा के पानी का दबाव बांध पर बढ़ रहा है। इसके कारण भागलपुर के नौगछिया में बड़ी घटना हो गई। दरअसल नौगछिया के इस्माइलपुर में रिंग बांध पूरी तरह से टूट गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते सड़क और भवन नदी में समा गए। वहीं दो लोग गंगा की तेज धार में बह गए। मुश्किल से जान बचाकर किसी तरह तैरकर दोनों को निकाला गया। गंगा का पानी सैदपुर गांव में घुस चुका है। गांव के लोगों के बीच हाहाकार मच गया है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से बांध टूटा। दोनों आदमी निकल रहे हैं। साइकिलो साइकिलो बच्चा छह साइकिल चार बच्चा कैसे छे तोरे साइकिल हटे भाई हो अब गिरते हो दू मिनट बोले जो 2 मिनट काफी समय सेकंडो ने लगले अपने से दो गांव दे रहे हैं दो गांव से ना हरती है की हाल होती है के आदमी जब चले ले अरे ये देखो बच्चा चला गया एगो इसमें अभी तुरंत
हाँ बच्चा है वो साइकिल वाला, तीन तीन आदमी गया इसमें, अभी तीन आदमी इसमें गया है, दो बच्चा निकल गया है, एक बच्चा चला गया है, एनडीआरएफ को खबर करवाइए, खोजेगा बच्चा, हाँ निकल गया बच्चा, एक ना निकल गया है, ये हो बच्चा ही बाबू तेरी भैया मरा गया, अहो पता करवाओ कि बच्चा कहीं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, हाँ नहीं निकल रहा है, हाँ बच्चा छाइन तब की वो दोनों तो यही तरी में साथ हम गिरता हम देख लिए उपरा ना हो वे को नाम खड़ा रहे अल्लाह एक तरफ पूरे देश के साथ भागलपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम के साथ संपन्न हुआ, वहीं दूसरी ओर लगातार दूसरे वर्ष भी बिशनपुर चिच्छो पंचायत भवन में तिरंगा को उल्टा ही लहरा दिया गया। पंचायत के मुखिया अशोक महलदार और ग्राम सेवक शंकर हरिजन के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। कार्यक्रम में झंडा उल्टा फहराए जाने के बाद जब लोगों ने उसे देखा तो राष्ट्रगान के दौरान ही फिर से झंडे को वापस उतारा गया और उसे सीधा कर लहराया गया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया और ग्राम सेवक के द्वारा किए गए इस हरकत को हम राष्ट्रध्वज का अपमान भी कह सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते 12 जुलाई से सचिवालय के 4 KG परिसर में जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर सोमवार जनता दरबार लगा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री व्यक्ति के आमने सामने बैठकर बात करते हैं और उनकी समस्याओं का निदान ऑन द स्पॉट करते हैं। इस बार जो जनता दरबार लगाया गया है उसके नियमों में कोरोना के कारण बदलाव किए गए हैं। जनता दरबार में जाने वाले लोगों के लिए चयन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से रखी जा रही है। चयनित लोगों को लाने और ले जाने की व्यवस्था जिला स्तर से की गई है। भागलपुर से दर्जन भर लोग जिला प्रशासन द्वारा मुहैया कराए गए बस से पटना मुख्यमंत्री जनता दरबार के लिए रवाना हुए। जनता दरबार में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों ने बताया कि सभी की शिकायत पदाधिकारियों के खिलाफ है। अब उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। जनता दरबार में शामिल होने जा रहे लोगों ने कहा कि जितनी खातिरदारी अभी अधिकारियों ने की है यही तत्परता व हमारी समस्याओं के समाधान के लिए किए होते तो यह सरकारी खर्च की जरूरत नहीं होती और ना हम लोग परेशान होते। और मेरे को परेशानी होने लगा आने जाने में बच्चा छोटा के कारण, तो मैं अवैतनिक अवकाश पर थी। उसके बाद फिर मैं आवेदन दी यहाँ जिला में, तो जिला से मेरा आवेदन विभाग भेज दिया गया कि विभाग से निर्देश आपका मांगा जाएगा, तो अभी तक निर्देश नहीं आया है। और यही कहा जाता है कि जब तक वहां से निर्देश नहीं आएगा विभाग से तो आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। लग रहे हैं तो यही चीज़, यही खातिरदारी, यही चीज़ यहां अगर सुन लिया होता तो आगे हमको वहां आवेदन फाइल नहीं करना होता और यहीं से काम समाप्त हो जाता। तो यहाँ हाँ यहाँ का पदाधिकारी कुछ सुनता ही नहीं है, अफसर बेलगाम है, अफसर काम नहीं करते हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री का आदेश को जो है खातिरदारी जो बोले वही खातिरदारी हो रहा। जिसमें नाम ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम था, 2019 में हमने संपदा पदाधिकारी पटना को भेजा था जो अब तक मेरा काम नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री के यहाँ जनता दरबार में कंप्लेन कराए हैं तो आज हमको मुख्यमंत्री के यहाँ अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया गया है। जिस तरह से बुलाया जा रहा है उनके इस व्यवस्था से हम बहुत खुश हैं। वहीं इस मामले में कांग्रेस विधानमंडल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि फरियादी अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री जनता दरबार में पहुंच रहे हैं। फरियादियों को पटना ले जाने में जो सरकारी खर्च पैसे का हो रहा है वो पैसा अधिकारियों के वेतन से काटा जाए और जिस अधिकारी के खिलाफ लोग पहुंच रहे हैं उस पर जांच कर उस पर कार्रवाई की जाए। आजकल क्या हो रहा है कि आपको ऑनलाइन जनता को आवेदन देना है जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, और जब आवेदन जो अप्रूव होता है फिर हर जिला के जिला पदाधिकारी को
बोला जाता है कि उनको आप पटना भेजें, तो यहाँ से बस इंतजाम किया जाता है, पटना पहुँचते हैं उनको रहने की व्यवस्था की जाती है, खाना खिलाया जाता है, और वहाँ पर जाके जनता जो कठिनाई है तो पदाधिकारियों के द्वारा ही क्रिएट किया हुआ है। जब आपका निर्देश है कि बाढ़ पीड़ितों को सारी सुविधा, खाना देना है, पानी देना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आखिर फिर फरियाद लेके जा क्यों रहा है जब पदाधिकारी का शिकायत कर रहा है, जो पदाधिकारी को खुद काम करना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है, उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई करिए। कार्रवाई ये करिए कि जो पैसे बस में लग रहे हैं किराए में, जो खाने में खर्च हो रहे हैं, जो रहने में खर्च हो रहे हैं, वो आखिर किसके गलती से हो रहा है? सरकार का पैसा, सरकार का पैसा जनता का पैसा है, वो पदाधिकारियों की गलती से हो रहा है। उनको जो आप सैलरी देते हैं उनसे कटौती करके उनके सैलरी से इस खर्चे को लेने का काम करिए, चूंकि पदाधिकारी सुधरे कि उनके कारण ही जनता जाके उनकी शिकायत कर रही है। देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। बिहार में कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन आज भी लोगों को बाढ़ की त्रासदी से निजात नहीं मिली। आज़ादी के 75 साल भी भागलपुर समेत बिहार के ज़्यादातर इलाकों में बाढ़ की त्रासदी जारी है। 5 दिनों में गंगा के जलस्तर में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। बाढ़ से जिले के 11 प्रखंड के तकरीबन 121 गांव प्रभावित हैं। 98 गांव पूरी तरह से पानी में डूब गया है, जिससे लोग पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं कुछ लोग पानी बढ़ने के बावजूद चोरों के डर से घर छोड़ने को तैयार नहीं है। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के चलते भागलपुर में बाढ़ का कहर जारी है। लोगों के घर बार पूरी तरह से डूब गए हैं और वे घरों की छतों पर रहने को मजबूर है। कई लोगों के घरों में 10 फीट से अधिक पानी भरा हुआ है, लेकिन चोरी के डर से वे जान जोखिम में डालकर झुग्गियों के ऊपर रह रहे हैं। खासकर सबौर प्रखंड के खनकित्ता, घोसपुर और बगडेर गांव के लोग अपने घर के छप्पर पर रहकर बचे हुए सामानों की रखवाली कर रहे हैं। ये लोग सत्तू और चूड़ा मुड़ी खाकर दिन गुजार रहे हैं। इन्हें पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है, जिससे मजबूरन इनको दूषित पानी पीना पड़ रहा है। छप्पर पर रह रही सुलोचना देवी ने बताया कि घर का सारा सामान छप्पर पर रख कर किसी तरह जी रही हूँ। बाल बच्चों को सबौर ब्लॉक के राहत शिविर में भेज दिया है। घर में चोरी होने का डर है, इसलिए घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ। अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी देखने के लिए नहीं आए हैं। साल में 2-3 महीने उनका पानी में ही बीतता है। बाढ़ आने से घर के सामान को लेकर चिंता होने लगती है और बाढ़ के बाद वापस जब घर आते हैं तो कीचड़ को साफ करने में महीनों गुजर जाता है। सुलोचना देवी नाम है। यहाँ सर समान सब देख रहे हैं, क्योंकि सर समान छोड़ के कहाँ जाएंगे, यहाँ तो रहने पड़ेगा। यहाँ पर नहीं सामान डर में छोड़ेगी नहीं जी, चोरी डर छा चोरी यहाँ तो जानता है जो रहता है जो लग गए करते मकई ड्रम भाषी द्वार जोगे छे। यहाँ रात का सुते छे, सांप बिच्छू हरदम चढ़ी जाए छे। कहो सुते छे? मचान पर सुते छे, चौकी बनाए, चौकियों डूबे वाला हो गई जी। की चाहे छे? कि हमरा नीक ऊपर व्यवस्था देते, कुछ खाना पीना यहाँ देते, यहाँ वहाँ जहाँ जेबे ऊपर तो यहाँ सब चोरानी चोरा के ले सकते, वही कारण से यहाँ जोगे छे रह छे खाए। भागलपुर विधायक आवास पर स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान कांग्रेसी नेता ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश को झूठ कर गुमराह करने का काम कर रही है। अजीत शर्मा ने कहा कि आज देश के जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो सभी कांग्रेस की देन है और भाजपा ने देश की गरिमा को गिराने का कार्य किया है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने कांग्रेस जनों का आह्वान करते हुए कहा कि पूरे देश के साथ साथ बिहार के गांव-गांव जाकर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस के द्वारा आज़ादी के बाद अब तक किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे और 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जगदीशपुर प्रखंड के विभिन्न कार्यालयों में 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कार्यालयों में झंडोत्तोलन हुआ, कार्यालय एवं परिसर को सजाया सवारा भी गया। तिरंगे की आन बान शान हर एक सरकारी एवं निजी संस्थानों में लहरा रही थी। लोग राष्ट्र प्रेम से अभिभूत थे। जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में प्रखंड परामर्श समिति के अध्यक्ष करुणा देवी, पशु अस्पताल में डॉक्टर शहनवाज, प्रखंड संसाधन केंद्र में आशुतोष चंद्र मिश्र, जगदीशपुर थाना में प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष विपिन बिहारी,
बाईपास थाना में थानाध्यक्ष अमित कुमार, जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार, बलुआचक पंचायत कार्यालय में परामर्श समिति अध्यक्ष मुकेश मंडल, सैनो पंचायत कार्यालय में भैरव यादव, सनहौली में पंचायत परामर्श समिति अध्यक्ष मोहम्मद सऊद, भवानीपुर देसरी में अशोक कुमार, सोनूचक पंचायत में रूबी देवी सहित विभिन्न पंचायतों में पंचायत परामर्श समिति के अध्यक्षों ने झंडोत्तोलन किया। वहीं मध्य विद्यालय दीननगर में राजकिशोर ठाकुर, मध्य विद्यालय भवानीपुर देसी में प्रणव कुमार पांडे, मध्य विद्यालय जगदीशपुर में आशुतोष चंद्र मिश्र, मध्य विद्यालय धौरी में सोमेश्वर यादव सहित विभिन्न विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों ने झंडोत्तोलन किया एवं बच्चों का मुँह भी मीठा कराया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुल्तानगंज प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर झंडोत्तोलन किया गया। सबसे पहले नव निर्मित नगर सरकार भवन में नगर सभापति नीलम देवी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार सहित नगर परिषद के कर्मी व प्रबुद्ध बुद्धिजीवी मौजूद थे। नगर परिषद में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभापति नीलम देवी ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र के सभी वार्डो में विकास का कार्य तेजी से चल रहा है। सभी पार्षदों के सहयोग से नगर का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसके बाद प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड प्रमुख अर्पणा देवी ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा राष्ट्रीय गीत की प्रस्तुति दी गई। सुल्तानगंज थाना परिसर में थानाध्यक्ष लाल बहादुर अंचल कार्यालय में इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान पुलिस बलों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। मौके पर सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, अंचलाधिकारी शंभू शरण राय, BDO मनोज कुमार मुर्मू सहित काफी संख्या में बुद्धिजीवी सह गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं अकबरनगर के विभिन्न पंचायतों में भी झंडोत्तोलन किया गया। अकबरनगर थाना परिसर क्षेत्र में थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने झंडोत्तोलन किया। वहीं थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने थाना परिसर में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। पीरपैंती प्रखंड क्षेत्र में 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। प्रखंड कार्यालय, थाना परिसर, शिक्षण संस्थान एवं विभिन्न राजनीतिक पार्टी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। वहीं पीरपैंती विधायक इंजीनियर ललन कुमार ने प्यालापुर पंचायत में आदिवासी टोला में आदिवासी समाज के लोगों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया व ध्वजारोहण के साक्षी बने। प्रखंड कार्यालय में प्रखंड परामर्शी समिति अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया। वहीं पीरपैंती थाना परिसर में थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी व ईसीपुर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष अनिल कुमार, वहीं मानिकपुर पंचायत भवन में मुखिया उषा देवी ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा भाजपा कार्यालय में दक्षिण मंडल अध्यक्ष निशांत कुमार पांडे उर्फ मिट्ठू पांडे व राजद कार्यालय में राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजीत साह ने ध्वजारोहण कर झंडे की सलामी ली। वहीं मारवाड़ी युवा मंच बाराहाट शाखा के उपाध्यक्ष आशीष टिबरेवाल ने ध्वजारोहण किया। 75वां स्वतंत्रता दिवस देश के साथ साथ नाथनगर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नाथनगर के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शान से तिरंगा लहराया गया। वहीं CTS में निर्धारित समय के अनुसार 7 बजे विद्यालय के प्रचार सह SP मिथिलेश कुमार ने ध्वजारोहण किया, जहां पूरा विद्यालय परिसर देशभक्ति गीतों से गूंज उठा। वहीं झंडोत्तोलन के पूर्व सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के प्रचार सह SP मिथिलेश कुमार ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस अवसर पर CTS प्रचार मिथिलेश कुमार ने कहा कि यदि कोई देश की स्वतंत्रता व मानवाधिकार के साथ खिलवाड़ करता है तो सबसे पहले उसे समझाने व रोकने का काम करेंगे। अगर वो नहीं समझेंगे तो उसी की भाषा में जवाब देने का काम करेंगे। मौके पर CGI अमित कुमार, हवलदार मोहन यादव, जियाउर रहमान, डॉक्टर अनवरुल हक, मोहम्मद इबरार अंसारी समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी व समाजसेवी मौजूद थे।